बसमिल्ल वसलासलम अल रसूल व अरदालाशद महमदन अब्दू व रसूलू अम्मात मोहरम हाज्रेन एक बार फिर से हम प्रोग्राम ये बात ज़रूरी है मैं हाज़िर हैं और आज हमारे साथ मोहम्मद आशिम साहब और शाफेद भाई और अरशद भाई और एक्स्ट्रा हमारे एक गेस्ट आज आए हैं माशाल्लाह खालिद भाई भी हमारे साथ ज्वाइन हुए आज के जो टॉपिक रहेगा इस्लाम के तलुक़ से हम इनशा ताल आपस में डिस्कस करेंगे और इस्लामो क्या है जानेंगे आ, मैं समझता हूँ कि इस्लामो फोबिया जो असल चीज़ है इस्लाम और फ़ोबिया इस दो लफ् से मिलकर बना है ये फोबिया जो लफ्ज़ है ये असल ए, इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं इसके लिए ढूंढने में हो सकता है परेशानी हो किसी को तो ये लफ्ज़ है एक इस्लाम है एक फोबिया है फोबिया मतलब डर खौफ और इस्लाम व फोबिया को जब हम मिला कर के बात करते हैं तो एक क्रिएट किया हुआ बनाया हुआ इस्लाम के ख़िलाफ़ डर या तसब जिसको कह सकते हो आप डर तब और नफ़रत जिसको बाकायदा इस्लाम के नाम पर जिसको फैलाया गया हो उठाया गया हो उसको इस्लामो कहा जाता है ये ये दिखाया जाता है है हाँ। जहां इस्लाम है है कि इस्लाम इस्लाम डर नहीं नहीं इस लोगों को लोगों को हाँ लोगों को इस्लाम से डराया जाता है कि इस्लाम इस्लाम इतना बेकार मजहब है है ऐसा अगर वाजहे करना चाहूंगा इस्लामो फोबिया मतलब एक तो नफ्सियाती बीमारी है समझ लो एक नफ्सियाती डर बैठा हुआ है अंदर से जैसे एक इंसान होता है ना उसको वाटर फोबिया हो जाता है पानी से डर हो जाता है उसको अब वो जब तक पानी में नहीं जाएगा जब तक वो नहीं होगा उससे पहले तो वो डरता ही रहेगा जब तक पानी में उतर करके वो तैरेगा नहीं सीखेगा नहीं और पढ़ेगा नहीं उसको जानेगा नहीं तब तक तो उसको वो डर कभी नहीं निकलने वाला है दूर से वो हमेशा डरता रहेगा हमेशा सारी चीजें रहेंगी वही डर हमारे आज आ, लोगों में डर की जो ना एक इंतहा है इंसान उसके करीब भी नहीं जाता करीब, भी नहीं फटकता उसको देखने की भी कोशिश नहीं करता में बैठा हुआ है लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किए कि जिसको सुनते ही आदमी दूर हो जाए हाँ। तो इस्लाम से मतलब इस्लाम, इस्लाम और इस्लाम और डर को दोनों को बिला वजह इस्लाम से लोगों को डराया जा रहा है उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में नफरत खौफ इस्लाम के खिलाफ ये सारी चीजें फैल रही लेकिन इस्लाम तो ऐसा नहीं इस्लाम तो ये नहीं सिखाता ना। नहीं। इस्लाम कतला नासा अगर किसी एक को अगर कतल किया गया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है मतलब इसमें क्या इस्लाम का नाम जो चीज़ें होती है ना नाम से पहचानी जाती है इस्लाम होता है इस्लाम मतलब कि मुसलमान कहते ही उसे कहते हैं कहान मतलब कि जुबान से और हाथ से मुसलमान दूसरे तो लोग महफूज हों अच्छा इसमें जो है ना कि वन नाश तमाम लोग ऐसा नहीं किसी मुसलमान मुसलमानों के अलावा जितने भी इंसान हैं मुसलमान उसको कहते हैं कि उससे सारे लोग महफूज हों उसे मुसलमान कहा जाता है अरे इस्लाम तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि इस्लाम आया ही लोगों को इज्जत और आबरू देने के लिए उनकी हिफाजत करने के लिए आया इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट लोगों में पेश किया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है असल इस्लाम ये है कि लोगों की इज्जत लोगों का मकाम लोगों की चीजें उनको उनके असल मकाम पर रख करके देखने की बात करता है और हाशिम भाई है ना इसमें लोग क्या असल में खौफ क्या दिलाया जाता है हमारे जो लीडर हैं हजरत मोहम्मद उनका नाम ले करके कि ये तो दहशत गर्दी फैलाने आए थे इन्होंने लीडिंग इस तरह की कि लोगों को मारो काटो उनकी जायदाद पर कब्जा करो हालांकि वो, वो क्या थे वो रहमत थे ये तो वो रहमत हाँ थे, 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 तो मैं ये कहूँ रहु कि एक आदमी एक आदमी तलवार के ज़ोर पर सारा इतना बड़ा आलम फतह कर ले ये नामुमकिन है सही है एक आदमी मक्का से कितने लोग खड़े हुए थे इस्लाम की दावत के लिए बहुत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप अकेले थे फिर आपने चार लोगों को इस्लाम कबूल करवाया हाँ आपको इस्लाम की दावत दी उसके बाद जो इस्लाम फैला है हती कि आप तारीख़ पढ़ेंगे इस्लाम की मुसलमानों की खुद अल्लाह के नबी के दौर की तो कितना म सितम नहीं किया गया उनके ऊपर खुद अल्लाह के नबी नबीसम को लहू लुहान कर दिया गया यहाँ तो तो व... जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त मारा भी तो तलवार से इस्लाम जो है फैला ना और आप एक चीज़ गौर करेंगे ना इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पर अदीस है एक मुसलमान शिरक से कितनी नफ़रत करता है

किसी को भी कतल तरह कह सकते हैं यानी कि अल्लाह के, अल्ला के ताल्लुक से अल्लाह के हक हाँ में सबसे बड़ी शिरक है और बंदों के, बंदों हाँ में के सबसे बड़ी और वो बिल्कुल आपने जो हदीस की तरफ इशारा किया अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा इबादत में जिसका सबसे पहले अव्वा यूहा अब यौम अल्लाह ताला जो सबसे पहले हिसाब लेगा वो नमाज, नमाज के बारे में, में। अल्लाह के तल्ल से हाँ। और हुकुक में दूसरी, में कतल के। हाँ। हाँ। दूसरी रिवायत में है किकूक इंसान है उसमें सबसे पहले अल्लाह तवाल में ना ऐसा नहीं है मतलब लोग जो आपकी मुखालफत करते थे ना वो सिर्फ आपकी दावत की मुखालफत करते थे आप देखेंगे ना मतलब जो आपके दुश्मन थे 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 वो भी आपको आपको सादिक थे, आपको अमीन मानते मानते सादिक के लिहाज से अच्छा इंसान मानते थे इस्लाम दुश्मन लोगों ने किताबें जो लिखी है ना कि सबसे ग्रेट इंसान कौन था आज गूगल पे सर्च करके देख लो किसका नाम आता है ना काफिरन। मतलब किसी को ये लगता कि शायद ये बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है ये कहा गया कि मतलब किसी को तकलीफ देने से बचो जुल्म मत करो इन वह इनकाना काफिर वो काफिर ही क्यों ना हो गैर क्यों क्यों ना ना हो हो तो भाई मतलब हमने भी जाना कि क्योंकि इस्लाम इस्लाम खुद जो है बुनियादी तौर पर इस्लाम जो है पीस सिखाता है और खुद नबी वसलम ऐसे थे तो फिर ये जो फोबिया यानी ये खौफ जो हुआ है पैदा जो हुआ है इस फोबिया का मतलब कहाँ से ये आ गया है सर इसके रीजन पर बात करते हैं हम लोग बिल्कुल फोबिया जो लफ्ज है ना फोबिया ये हकीकत में ना हकीकत से बहुत दूर होता है जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि किसी को पानी का फोबिया है जी। तो पानी के करीब नहीं जाता है जी, जी। हकीकत में पानी उसके लिए नुकसानदेह नहीं, नहीं है नहीं है सही सिर्फ नहीं। उसको फोबिया है सिर्फ डर है उसको। तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो नाम भी इस्तेमाल किया गया ना वो इस्लामो फोबिया बनाया गया हकीकत ये है उसके बिल्कुल उल्टा है आप उसके इस्लाम के करीब आएंगे जैसे पानी के करीब आएंगे तो पानी आपको नहीं खा लेगा अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप डूबेंगे और तो फिर वैसे पानी में मत जाओ ना जहाँ आप डूब सकते हो सही बात सही बात और ये तो बात फोबिया जिस बिल्कुल फोबिया इसमें इस जो आप इसबाब की जो बात कर रहे हैं ना उसमें मैं समझता हूँ कि खवारिज या उस तरह के जो लोग होते हैं खवारिजी सिफत उनकी वजह से थोड़ा सा इस्लाम जो बदनाम हुआ है, हाँ, लोग बल्कि हकीकत यह है ना कि खवारिज से इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है मतलब खबारिज मतलब कौम है मतलब मुसलमानों जैसे हैं अपने आप को मुसलमान कहते है तो इसमें खबारिज खवारजी सिफात जिनके देखिए आप अल्लाह के नबी वसल्लम के दौर में भी अल्लाह के नबी साहबा ने उनसे बाकायदा आज के दौर में कौन आपकी नजर में कौन है नहीं मतलब उनकी सिफात को देख कर कहा जा सकता है कि इनके यहाँ जो चीजें हैं जैसे जी जी इनकी तो वजह से भी ना मतलब कहाँ से क्रिएट किया गया कि देखिए ये मुसलमान है ये ये काम कर रहे हैं इनके यहाँ ये है मार धाड़ नमूना बना हाँ। करके, उनका बना करके करके उनका वो मुसलमानों पे चिपका और ये, ये मैं आपको बताऊंगा तो इस्लाम की समझिए अगर हम शुरू से देखने जाना तो खुद अल्लाह के नबी के जमाने से ये नाम ये नहीं है बज़ाहिर लेकिन इस्लामी दुश्मनी ये तो उस वक्त से अच्छा ही आ रही है लेकिन काम हाँ और हिंदुस्तान में मैं आपको बताऊ हिंदुस्तान में जहां तक मेरे इल्म के मुताबिक के हिंदुस्तान में ना ये जात पात वाला मामला ना इब्तदा से रहा है शुरू से जब से हिंदुस्तान है तब से रहा है और जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए और लोगों ने देखा कि ये जात पात और ऊंच नीच से पाक है ये धर्म ये मज़हब तो बहुत सारे एक बड़े पैमाने पर जो है तदाद ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और जिन लोगों ने जो वहाँ के मतलब कट्टरवादी थे और उस तरह के लोग थे हाँ। जब उन लोगों ने देखा कि ये इस्लाम इतनी सख्ती से लोग अपना रहे इस तरह कबूल कर रहे हैं तेजी से भाग रहे हैं तो उसके बाद फिर वो नफरतें शुरू हुई हाँ। तो मतलब ये एक ये एक वजह भी बन सकती खून में रच बस गई लोग इस्लाम के अंदर अच्छी तादाद में आ रहे थे जी 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 दूसरे लोगों को देख खौफ हुआ की कहीं हमारा धर्म खत्म ना हो जाए जो पूरी दुनिया में फैलाया उसका बेस यही है सबसे बड़ा डर उनको ये है कि जो आज अकलीत में है कल कहीं वो अक्सरियत इस्लामोफोबिया फैलाया गया माइनॉरिटी से मेजोरिटी में, में, में जबकि मैं ये इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ वो अकलीत में हाँ। असल में पूरे वर्ल्ड में आप देखो मुसलमानों की तादाद तो इंसानियत में जो लोग सबसे ज्यादा है वो ईसाइयत है उसके बाद मुसलमान ही है तो मतलब की बात कुछ भी ले आना तो यही है तो और बाद लोगों ने तो कहा है की ये भी एक हवा है की ईसाइत बहुत पूरी दुनिया में वर्ल्ड नंबर वन पे है ये भी जो है तंजीम मतलब बाज अकवाल है उसमें कुछ लोगों ने हाँ लेकिन जमीनी सतह पर ये देखा है जा, देखा जाए जा जो प्रूफ के अगर बेसिस पर हम देखें तो अगर, के से, आ, अगर रिपोर्ट के लिहाज अगर रिपोर्ट के लिहाज से हम देखें तो आज क्रिश्चियनिटी जो है वो वन नंबर पे दी, है और इस्लाम जो है वो सेकंड नंबर पे है, से, है इसमें ना खालिद भाई एक बात ये भी है ना ये बहुत जरूरी बात है मीडिया जो जहर घोलता है ना मीडिया की जो निगाह होती है वो सिर्फ मुसलमानों की कमियों पर होती है मुसलमान कोई ऐसा मुद्दा उठाए कि जो उनको बदनाम करने वाला हो चाहे वो उस एक एक आदमी की हद तक हो लेकिन उसको पूरी कम्युनिटी के ऊपर के पूरे मुसलमानों पर लागू करके उसको बदनाम किया जाता है और ये सबसे बड़ा रीज़न बहुत बड़ा रीज़न आज के ज़माने में अगर इस्लामोफोबिया फैल रहा है मुसलमानों के खिलाफ गमो गुस्सा अगर देखा जा रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न में से अगर एक कहा जा सकता है तो ये मीडिया का किरदार है, सही है मीडिया बिल्कुल भी मुखल नहीं है इसका काम था कि जो देख रहा है वही दिखा दे लेकिन मीडिया क्या कह रहा है जो दिखवाना वो चाह रहे हैं वो दिखा रहा है यानी चश्मा उनका लगा करके लोगों को दिखा रहा है कि ये चीज देखिए इससे बढ़ करके मैं बोलूं कि आजकल जो फिल्में और ड्रामे हैं ना उसके अंदर जो एक गलत नेगेटिविटी वाली जो थीम दी जाती आ, है और कैरेक्टर जो दी 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 दिया जाता है मुसलमानों को दिया जाता है इसके ऊपर में एक है ना लाइव एग्जाम्पल अपने साथ जो गुजरा मैं आप लोग को बताता हूँ एक जगह पे शो हो रहा था जिसमें मुझे भी कहा गया कि आप भी पार्टिसिपेट करें तो ये उनका प्री प्लान था तो उन्होंने मुझे दावत दी तो मैं ठीक है मैं भी प्ले करता हूँ तो उन्होंने कहा इसमें एक आतंकवादी की जरूरत है तुम्हारे घर में बुरखा भी, भी, भी है भी। तो मैं काम करो तुम बुरखा पहन के आ जाओ हाँ और तुमको सिर्फ़ वैसे गन मशीन घुमानी यानी इस तरह, तरह, जी तरह जी मतलब, ये जो दहशत घर यही दिखाना चाहती है और रोल जो प्ले कराती हैं वो मुसलमानों से ही कराती हैं और उनके दाढ़ी लगा लगा देंगे गमछा है मीडिया का जो रोल अभी हम बात ही कर रहे हैं ना इसमें मीडिया का जो रोल है ना मीडिया खुद नहीं कर रहा है काम क्योंकि मीडिया का जो काम था वो तो दिखाना तो दिखा रहा था अपना लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दो सौ छह मिलियन डॉलर 206 मिलियन डॉलर सिर्फ इस वजह से खर्च किए गए हैं कि मुसलमानों की छवि को बदनाम किया जाए मुसलमानों की तस्वीर को दागदार किया जाए और जैसे कि फिल्मों की बात चल रही थी एक बंदा है वो बोलता है कि मैंने तकरीबन 100 के करीब फिल्में देखी जिसमें मुस्लिम कैरेक्टर हो और जब मैंने उस मुस्लिम करेक्टर को गौर से देखा तो उसमें मुसलमानों को सिर्फ फंडामेंटलिस्ट बताने की कोशिश की गई यानी मुसलमान इंतहाई दर्जे का बद तहजीब इंसान है उसको नए दौर से मॉडर्न एरिया से कोई उसका लेना देना नहीं है बल्कि वो पुरानी जिंदगी में ही जी रहा है जहाँ पर खून ख़राबा जहाँ पर एक दूसरे से नफरत एजुकेशन के बिल्कुल करीब नहीं बस उसी तरह का हुलिया मुसलमानों को दिखाई सर सर मेरे यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि जैसा आपने कहा ना कि फंडामेंटल तो मैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ंडामेंटलिस्ट हूँ मैं अपने फंडा जो हमारे इस्लाम के फंडास हैं मैं उनको बराबर प्रॉपरली फॉलो करता हूँ अगर मैं ये देखता हूँ कि कहीं औरत कहीं से आ रही है तो मैं नज़ी नीचे करता हूँ कहीं शराब बिक रही है तो मैं गलत समझता हूँ कहीं चोरी हो रही है

लफ्ज जिहाद जो है ना या इससे रिलेटेड जो आयतें हैं जो हदीसे हैं ना इनका भी गलत यूज किया गया मतलब ये दिखा कर देखिए ये, ये जिहादी हैं बल्कि जिहादी कहा जाता है ये जिहाद की तालीम देते हैं ये मार धाड़ और इस तरह के जो आयतें हैं ना सही से वो समझते नहीं हैं उसको तोड़ मरोड़ को पेश करने की को कोशिश करते हैं ये दिखाते हैं भाई ये जिहादी ये मार धाड़ वाले तो इससे भी मतलब लोगों को ये बात भाई देखो जिहाद का हम इनकार नहीं कर रहे हैं जिहाद इस्लाम में है और हम उसको दो नाही से देखना चाहिए

उस सर को खत्म करने की कोशिश करेंगे यही इस्लाम जो जिहाद है इस्लाम में वो यही जिहाद है कि जब, तो भी जिहाद। जब भी मुसलमानों में वाजे जब भी मुसलमानों के ऊपर अटैक किया गया तकलीफ दी गई मारने की कोशिश की गई उनको खत्म करने की बात की गई तो अल्लाह ने परमिशन दी कि आप भी हथियार उठाओ तो इसमें बुरा क्या है भाई आप अपने इंडिया के लिए यही सोच रहे हो तो दूसरे लोग अगर यही इस्लाम के लिए था तो उसमें बुरा क्या हम ये तो नहीं कह रहे कि इंडिया में तुम जिहाद करो हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि जिहाद कोई किसी गैर को मार गर्दी और कभी भी मुझे, कोई जिहा मुझे मुझे जिहादानी है।, मतलब तो है पूरे दुनिया में इस टाइम पर कहीं पर भी जिहाद वाला माहौल नहीं।, नहीं है नहीं है नहीं सही जबरदस्ती उसका नाम पेश किया जाता है जबरदस्ती उसका नाम पेश किया कि भाई ये जिहादी है जिहाद है मारने का हुक्म है कि जहाँ मिले मार दो नहीं तो कैसा मतलब जिहाद का जो सही मफहूम है जिहाद कब किया जा सकता है कैसे किनके साथ करना है वो कुछ उनको कोई मतलब नहीं बस ये कि ये कि जिहाद जिहादी है जिहाद की तालीमत तो देखो हाँ। कि किसको मारना है किसको नहीं मारना वो उसका भी तालीम जिक्र है भाई किसी एक औरत पे हाथ नहीं उठा सकते हो आप किसी भी बूढ़े को हाथ हाथ न कर लगा सकते हो आप मतलब किसी, मतलब भी, भी, किसी भी, जिहाद नहीं कर सकता भी ऐसा इंसान जो फौज में शामिल था आपके बिल मुखालिफ वो इंसान अगर अपना हाथ उठा दे भाई मैं सिलेंडर करता हूँ उसको भी मारना जुर्म है एक सहाबी ने हाथ मतलब जंग के मैदान की बात कर रहा हूँ जंग के मैदान में बात कर रहा हूँ आदमी को मार दिया जबकि उसने हाथ उठाया था सिलेंडर करता हूँ आपके सामने तब भी उस सहाबी रसूल ने उस आदमी को मार दिया तो अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या आप उसके दिल को चीर करके देखे तो जो बोल रहे हो कि नहीं वो मुझे मार सकता था था कैसा है ना उन्हें जो शर्फ पसंद लोग हैं दुनिया के अंदर उन्हें दुनिया में शर्फ फैलाना है और इस्लाम अमन की बात करता है उन्हें इस्लाम से उनको दूर करना है अमन से दूर करना है तो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान है और मुसलमानों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको वो लोग उछालते हैं चाहे वो पर्दा हो चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे बैंकिंग हो चाहे जिहाद हो चाहे आपके खाने पीने के तरीके हों यहाँ तक चाहे आपकी शादियाँ हों हर उस चीज़ को बदनाम किया जाएगा जो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो जो इस्लाम जिसको कहती है ऐसा है ना खालिद भाई एक बुनियादी बात हो सकती है जिसकी तरफ शायद ध्यान किसी ना जाए कि जो जंग जो चल रही है ना मान लीजिए इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग काम कर रहे हैं तो ये नमाज़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं बिल्कुल नहीं ना ये रोज़ों के ख़िलाफ़ बोलेंगे ना आपके मिसवाक करने पर इनको कोई पांच वक्त आप नमाज़ पढ़ो दस वक्त पढ़ो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं इनको असल जो प्रॉब्लम है ना कि वो इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है सिस्टम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है अभी जो यूरोप वगैरह के मुल्क हैं अमरीका मुल्क है तो इनके यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ना अभी उसका मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है अभी इस दुनिया में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है जो सख्ती से उसके निज़ाम को बातिल करके सामने खड़ा हो इस्लाम तो के अलावा इस्लाम चूंकि वो सबसे बड़ा हरीफ है सबसे बड़ा राइवल है उनके सामने इसलिए वो इस्लाम को टारगेट करते हैं उसकी तालीम को टारगेट करते हैं अगर इस्लाम को टारगेट करना छोड़ दें और लोग सच मुच में इस्लाम को जान जाना तो उनकी तहजीब को आज ही लात मार देंगे बस बस उनके कल्चर को आज ही और समझाए करते हुए कहूंगा कि आज जो जत्था बजत्था लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं खास करके यूरोप के अंदर हाँ वो क्यों हो रही है क्यों, वो इस्लाम को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और जो पिछली उनकी जिंदगी थी उसके अंदर वो ड्रग्स में उसके अंदर वो गलत आदतों के अंदर मुलविस थे खाली भाई इसमें ना उनका यूरोप का यूरोपियन पूरा पूरा सिस्टम पूरा कल्चर एकदम एकदम कोलैप्स हो हो चुका है करप करप हो चुकी है फैमिली खत्म चुकी तो वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं हयात नहीं है आप देखें ना कई एक मिसालें आपको मिल जाएंगी हर दौर में तारीख में आप देखें अल्लाह के नबी नबीन के दौर में सुमामा बिन उसाल लाया गया वो कुछ ही दिन तक आप लोगों के दरमियान थे हालत सारी चीजें देख रहे हैं इस्लाम क्या है मुसलमानों ऐसी कई एक मिसाल है। तबलीग गई इस्लाम को जान कर समझ सहाबी है रसूल अभी तो वो सहाबी मतलब उस वक्त वो सहाबी हो गए वरना वो एक तुफ़ैल बिन अमर दो दोस कबीले के सरदार थे वो खाने काबा के अंदर आए मक्का में तो लोगों ने उनसे क्या कहना शुरू किया कि मोहम्मद की बात सुनना नहीं वो जादू कर देता है फैमिली के अंदर बिगाड़ पैदा कर देता है और ऐसे काम लोगों के सामने ऐसे ऐसे मामला पेश करता है जो आपको समझ में नहीं आएगा वो वो ऐसी बातें पेश करता है जो आपको समझ से परे है आपको बर्बाद कर देगा आपकी फैमिली सिस्टम को खराब कर देगा यही सारी बातें करके वो आदमी को इतना ज्यादा गलत फैमिली में मुलविस कर दिया उन्होंने वो आदमी तो कान में ना उंगली डाल के चलता था भाई तो तो इस इस बात को मैं बात इस्लामोफोबिया उसी जमाने सोचो इस्लामोफोबिया मैं तो के ना इसी बात से इस बात को कंक्लूड करना चाहूंगा अगले पॉइंट को ले हम लोग डिस्कस करें चाहे वो ज़माना हो जिसमें मुसलमानों से और इस्लाम से लोग दुश्मनी करते थे जिनकी हदीतें हमारे पास बहुत मौजूद है शेख ने कहा कि लोग अल्लाह के वम के पास आए इस्लाम के पास आए चंद दिन रहे और मुसलमान हो गए आज का दौर भी आप देख लीजिए चाहे वो मुसलमानों के दुश्मनी में आगे आए हों चाहे मस्जिद को शहीद करने वाला कोई बंदा हो चाहे ना अफगानिस्तान के अंदर कोई जर्नलिस्ट हो वो गए हैं उनके साथ में रहे और मुसलमान हो गए मैं आपकी तारीख आज वो शहीद करने जिसने मस्जिद को शहीद किया है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर आज वो मुसलमान हो गया चाहे आप दुश्मनी में आप आगे आओ लेकिन आप, आप आगे, आगे तो, आओ, तो आओ इस्लाम को समझो तो को इस्लाम को समझो आप तब पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या है और फोबिया क्या है तो सही ये बात इसी बात की ताइद में एक जुमले में एडिट करूंगा कि आप अभी देख लो सबरीमाला को देख लो वो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जो इस्लाम को बहुत दूर समझती थी और पूरा फोबिक थी वो समझ लीजिए

तो हिंदुस्तान के अंदर से जो पैसे वाले लोग थे हिंदुस्तान के जो पैसे वाले लोग थे और क्रीम पब्लिक जो थी ना वो पाकिस्तान चली गई और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है मुसलमानों को हुआ है ठीक है ये एक बुनियादी बात है इसको समझना बहुत ज़रूरी है उसके बाद में हम मुसलमानों के अंदर भी ये कमी रही है कि जब इंग्लिश आई तो मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया जी जी जब टेलीविज़न आया तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया मीडिया आया तो आज भी उसको मीडिया जब वो हमारे सर पे चढ़ के बवाल कर रहा है तब हम ये कह रहे हैं कि हमारा भी मीडिया होना चाहिए मीडिया हाउस की ज़रूरत है तो ये बात है ना कि हम इन चीज़ों में जहाँ वो लोग आ गए हैं और उसका यूज़ करके हमारे खिलाफ़ हमें अपोज़ कर रहे हैं हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे एकदम पीछे हैं और अगर करना भी चाहें अब आके तो हमें साल साल लग जाएगी और एक बात है एक ये भी है कि मस्जिद हैं मस्जिद हमने बात की इस पर पीछे गुफ्तू में कि मस्जिद मरकज़ होती है मुसलमानों का मरकज़ है मुसलमानों का दिल है यहाँ से इस्लाम उस ज़माने में भी फैला था तो आज भी फैलेगा लेकिन हमने मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए या गैर मुस्लिमों के लिए मस्जिद को ऐसा समझ लिया कि वो आएगा तो नापाक हो जाएगी उसके एंट्री बंद कर दिए ना तो मस्जिद में आ सकता है ना इस्लाम की तालीम सीख सकता है कितने मुसलमान हैं वो ये कहते हैं उनको उनसे कहा जाता है कि चलो तुम नमाज के लिए चलो तो कहते हैं मैं नापाक नापाक तो मस्जिद में नहीं आ सकता हटा ली जाती है भी है ना कि हमने इस्लाम के तारुफ के लिए क्या इंतजाम किया है मतलब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जगह हैं जहाँ से गैरों को इस्लाम का तारुफ मिल सके सर तारुफ के लिए देखिये इंतजाम की अगर बात की जाए ना तो एक मस्जिद जैसे शेख ने कहा ये तो बहुत एंट्री बंद है तो वहाँ एंट्री बंद है अभी फिलहाल क्या इंतजाम है कहाँ से वो तारुफ मिल उसको खोला जाए उसका इंतजाम किया जाए फिलहाल इस्लाम का तारुफ नहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा गलत फेमे फैला भी रहे हैं वो शिकार हो रहे हैं अच्छा एक चीज़ ये भी है ना कि ठीक है उनको इस्लाम का तारुफ किताबों में या कहीं और नहीं मिल पा रहा उनकी अपनी ज़ुबान में तो ये है कि भाई मुसलमान सरापा इस्लाम हो वो चीज़ भी नहीं, नहीं सबसे बड़ी चीज़ है मुसलमान यही है पार ये पार के कि दो जरा से एक तो वो लोग इस्लामी तलीमत दो जरा से हासिल कर सकते हैं या तो वो किसी मुसलमान को देख करके या जरा अबलाग के ज़रिए से अब मुसलमान को देख करके तो आदमी और गुमराह हो जाता है हालात मुसलमानों के ऐसे है और दूसरा जो रास्ता है ना उनका जरा अबलाग उसमें आप अगर देखेंगे ना उर्दू अरबी और फारसी के अलावा अक्सर जितनी किताबें लिखी गई है ना वो सब मुस्तृक की तरफ से लिखी गई है यानी हर चार पांच किताबों में से आपको दो तीन किताबें मुस्तक की मिलेगी और या फिर उससे यानी मुस्तरक़ ये वो तंजीम ये वो कौम है जो इस्लाम के खिलाफ यानी इस्लामी तलीमत इन लोगों ने हासिल की है और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग काम करते हैं यानी इस्लाम के अंदर हाँ यहूदियों में से इस्लाम के खिलाफ किताबें छापना या किताबें लिखना जैसे कि एक मशहूर किताब मजुल मुफारस वाली किताब इन्हीं की लिखी हुई है जो आज मुसलमानों को काम आ रही है और बात बता मैं कुरान तो का जो तर्जु इंग्लिश का हुआ इन्हीं लोगों ने किया है तो वो या तो वो मुस्तरक की किताब पढ़ेंगे या तो मुस्तरीक से मुतासर किताब पदारे तो तो की, कि हाँ। की असल शक्ल मुसलमान इस्लाम बन जाए ना तो फिर लोगों को ये दिक्कत ही नहीं पेश आएगी मुसलमान का खुद का किरदार आज का जो जमाना है ना उसके अंदर आपको अपना करेक्टर भी अच्छे से पेश करना पड़ेगा और साथ साथ में जमाने के साथ भी आपको चलना पड़ेगा जो मीडिया जो सिस्टम जो टेक्नोलॉजी पेश दर भी भी पेश दिन ब दिन आगे बढ़ती है उसके साथ में आपको रेस में आगे रहना पड़ेगा एक बात और भी मैं ऐड करूं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना मतलब कहीं ना कहीं से वो इस्लाम की तालीम ले लेते हैं वो तारुफ ले लेते हैं वो मुतासिर भी हो जाते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं कि भाई जब मैं मुसलमान कौम में जाता हूँ उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है उनके यहाँ इंतशार को इख्तलाफ को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है मतलब किरदार की वजह से दो एक तो हमने कोई इंतजाम नहीं किया उनकी तालीम और के लिए भी, कहीं उसके पीछे, ले भी लेते हैं तो हमको वो भाग रहे मेरा तो मानना है बनूं तो कौन सा मुसलमान बनू बिल्कुल मेरा मानना यह है कि ना इसमें दोनों तरफ से कमियां हैं कुछ सिस्टम की भी कमियां हैं आप मिसाल के तौर पे जो मुस्लिम के इलाके हैं और जो हमारे गैर मुसलमानों के इलाके हैं हमारे भाइयों के उन गैर मुसलमानों के इलाके जो है वो साफ सुथरे हमारे साफ सुथरे नहीं है एक तो हम साफ सुथरा रखना नहीं चाहते हैं आप देख लीजिए ना आप मस्जिद में चले जाए शेख जो नमाजी अपनी चप्पल रखना ठीक ढंग से नहीं जानता है रैक रखा हुआ रैक खाली पड़ा रहेगा बहुत बड़ी, आपको बड़ी नीचे 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 उतरने उतरने के बाद में नीचे उतरने का मिनट आपको लगना। रखो ना रैक में उठा के बराबर से नहीं रखेंगे दिल्कुल। और दिल्कुल। उसके साथ में साथ में सिस्टम भी ना चेक अगर आपके यहाँ कच्चा पड़ा हुआ है ना तो वो चाहते हैं कि और पड़ा इस्लाम में तहारत को सफाई को निसफ ईमान कहा गया हो उनकी सूरत हाल ये है कि उनकी अपनी जिंदगी को देख करना कितने इलाके ऐसे हैं कि वहां पाबंदी लग गई कि भाई मुसलमानों को किराए पे घर नहीं देंगे क्यों क्योंकि तो ये गंदगी तो फैलाते हैं तो मुसलमानों को किराए पे नहीं देंगे तो क्यों क्योंकि इनके बच्चे छोड़ देते हैं कैसे भी लड़ाई झगड़ा हाँ। मतलब बेढंगी की इनकी ये जो, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस्लामोफोबिया तो इस्लामोफोबिया को एक्चुअली में फैलाया गया उसके पीछे खर्चा किया शेख ने बताया ना कि दो सौ छह कितना दो सौ मिलियन डॉलर दो मिलियन डॉलर तो इसमें देखिए बात ये भी है ना कुछ राइटर्स बाकायदा और कुछ एंकर्स और डिबेट वाले लोग बाकायदा इसके लिए तैयार किए गए हैं और वो तैयार हैं खुद चाहे उनको फंडिंग की जा रही हो नहीं की जा रही हो लेकिन वो तैयार हैं कि इस्लाम के खिलाफ कोई भी मुद्दा आए तो वो उसको खड़ा देंगे उस, उसको उछालेंगे उसको बदनाम करेंगे उसकी बुनियाद पर तो ऐसे राइटर्स भी हमारे यहाँ मौजूद है और इसके साथ साथ ना सर ये भी सिस्टम क्रिएट किया जा चुका है कि कहीं पर देखा जाएगा कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ है और पूरी की पूरी दुनिया बोल रही है कि देखो आप वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक उससे बड़ा भावमंडल ला मीडिया में खड़ा कर दिया जाएगा

ये दिन दिन हो रहा, है, रहा है यूरोप में अमेरिका में, दिया दिया में आपको एकदम ग्राउंड लेवल की बात बताऊं मैं अभी घर लेने गया एक एजेंट के घर में बैठा हूँ वो एक दूसरा आदमी इंटर होता है और क्या बोलता है ये लो चाबी लेकिन किसी मुस्लिम को मेरा घर मत देना किसी मुस्लिम को मेरा घर मत देना जो भी देना और कोई गैर मुस्लिम ही होना चाहिए और के एक चीज जिक्र करूंगा शायद कि आप लोग उससे अख्तिलाफ़ करें जहां तक मैं समझाऊ की देखिए इस्लामोफोबिया फैलाने की बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है इसमें कोई शक नहीं है और उनकी इस कोशिश की वजह से बहुत से लोग शिकार भी हो नतीजा भी हम देख रहे हैं बल्कि मैं खुद एक इलाका जानता हूं कि वहां पर बाकायदा कमेटी ने यह पास किया है कि कोई भी रूम मुसलमानों को नहीं बेचा जा सकता ना उनको किराए तो इसका असर नजर आ रहा है लेकिन मेरा अपना ज़्याती मुशाह जहाँ तक मैंने समझा है कि जिस बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे काम किया जा रहा है और ये चीज़ फैलाई जा रही ना ज़मीनी सतह पर उतना नहीं है जितना दिखाया जा, जा, जा रहा है नहीं नहीं देखिए इसलिए भी ना इतने बड़े पैमाने पे दिखाया ताकि और डर पैदा किया जाए और ज़्यादा डर ये कोशिश है बल्कि देखिए मैं समझता हूँ कि मेरी अट्ठाईस उनतीस साल की एज है मैं भी ज़मीन पर रहता हूँ मेरे भी अपने दोस्त अहबाब ग मैंने इतना नहीं देखा जितना दिखाया जाता बल्कि मुझे कभी कभी एहसास होता जो ये दिखाया जा रहा ना ये ये है कहाँ का ये शायद कहीं और का है तो और ज्यादा हवा बनाकर दिखाया ताकि और ज्यादा डर पैदा हो इतना ज्यादा नहीं, नहीं है जितना नहीं, दिखाया कैसा जाता कैसा है, ना, है ना, हकीकत ये है कि जत्थों के जत्थे गाँव में खेड़ों के अंदर छोटे शहरों के अंदर साथ में बुला के कस्में खिलाई जा रही हैं कि आपको मुसलमानों से ना लेन देन करना है ना उनसे कोई विवाद रखना है अरे बात है कैसा है ना देखो मेरी बात सुनो आप आप यहाँ मुंबई शहर में रहते हो ना आपको महसूस नहीं होता है लेकिन आप देखो वो शाकिर लड़के को जिसको खंबे से बांध करके मारा गया क्यों मारा गया उसको इस्लामो की वजह से किसी ना किसी दिन किसी मुसलमान को मारा जाता है यकीन से कि या तो गाय का गोश्त पकड़ के मारा जाता है या बच्चा चोरी के सिलसिले में मारा जाता है या कुछ ना कुछ बहाना करके मारा जाता है दो सौ से कितनी आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता टीवी देखें सिर्फ एक हफ्ता आप डेली सिर्फ यही देखेंगे आप डेली यही देखेंगे हर इसके अलावा कुछ देखेंगे ही नहीं आ, ही नहीं, दुण 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 है। नहीं तो हो रहा है ना ताकि और ज्यादा फैले, साफेद भाई की बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि वो जितना फैलाया जा रहा है ना उतना है नहीं लेकिन है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पे काम हो रहा तो उसका असर तो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल वही उसका तो वही नहीं तो हम तो, तो दे बात करें इस्लाम इस्लामिया है तो ये भी ऐसे बहुत से इलाके हैं ना जहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम साथ में रहते हो प्यार मोहब्बत से रहते हैं बल्कि अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी है की एक इलाका है वहाँ हिंदू ज्यादा है बल्कि मुसलमान बराए नाम है वहां पर मस्जिद है मस्जिद की देख रेख गैर मुस्लिम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं अभी भी बहुत से इलाके ऐसे मैं खुद जिस इलाके में रहता हूँ गैर मुस्लिम बहुत हैं लेकिन आज तक हमने ये चीजें नहीं देखी हैं ठीक है मतलब शेख की बात लूंगा शेख की बात की तारीफ कर दूँ अयोध्या के अंदर जहाँ पर मेजोरिटी जो है वहां पर हिंदुओं की है वहां पे हमारे जानने वाले दोस्त मैं कहूंगा की मेरे उनकी कटिंग यहाँ पे डाल दें वो मुसलमान है अलहमदल सारे हिंदुओं ने उनको चुन के वहां का प्रधान बनाया अलहमदुल्ला अच्छा काम इस, कर रहा है इसके अलावा ना कि आप मीडिया में आप रह रहे हैं सोशल मीडिया पर देखें ना तो जो सर पसंद लोग हैं ना वो थोड़े से हैं ये बात सच है थोड़े से हैं। लेकिन वो फैलते बहुत ज्यादा है हाँ सोशल मीडिया आज के ज्यादा आज के जमाने में सोशल मीडिया आपकी जिंदगी के ऊपर कितना असर डालता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा असर डालता है इससे कोई मना नहीं करता और आज की तारीख में सोशल मीडिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया है देखिए मैं पीछे की रिपोर्ट बता रहा हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बाकायदा ये रिपोर्ट छपी थी कि जो हकीकी मुद्दे हैं वो उसको ऊपर नहीं ले जा रहा है बल्कि जो नफरत फैलाने वाली चीजें ना हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करने वाली चीजें उनको वो ऊपर लेकर जा रहा है उन वीडियो को दिखा मैं रहा पहले सोशल मीडिया का मामला ये था ना कि मतलब जो ऐसे पोस्ट डाले जाते थे ना जिससे नफरत फैलती थी या उनको हटा दिया जाता था बंद कर दिया जाता था अकाउंट बैंड कर दिए जाते थे लेकिन अब क्या होता है उसको ऊपर ला लिया जो सच लोग है ना ये ऐसा है ये हो गया कमर्शलाइज आपको कौन सा वर्ड खरीदना है उसके लिए आपको गूगल पे पैसा देना पड़ता है उस आप से काम करता है हाँ, हाँ। तो आप जिस वर्ड को खरीद लेंगे जिसका अपना पेमेंट कर देंगे वो चीज वहां पर ऊपर आएगी।, आएगी पहले का आप न्यूज देख लीजिए न्यूज एंकर आते थे अदब से वो चार लाइन में दस लाइन में पचास लाइन में अपनी बात सुनाते थे सुनाते और चले जाते थे अब तो वो बोलती है डंके की चोट पर बिल्कुल, बिल्कुल आज फैसला होगा आप देखें क्या कर रहे हो भाई हमारे जज बनी वो बैठे हो जज तुम बने बैठे हो आदित भाई हम लोग जिस देश में रहते हैं आप देखें ये सुकून भंग कैसे ना हो ये हालात कैसे ना हो आप देखें कि हमारे यहाँ इस वक्त सियासत हुकूमत और इलेक्शन ये मजहब की बुनियाद पर लड़ाई बिल्कुल और पूरा मैं कहता हूं ये जो हमारी मीडिया है ना ये हुकूमत की जुबान बन चुकी है देखिए जो बुलवाना चाहते आप, आप ने ने उसी बात की, की, ताइद की है। आप देखिए देखिए इस्लाम फोबिया है आपने इसकी देखिये बिल्कुल क्योंकि उन लोगों को जरूरत है कि धर्म के नाम पर डर फैलाया जाए आप उनके प्रोग्राम देखिए दंगल 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 पूछता है भारत पूछता है भारत इसके अलावा नहीं नहीं और भी बहुत से इस तरह के प्रोग्राम है भाई मतलब वो देख कर ही लगता है कि जंग लड़ रहा, रहा, रहा है लोगों को बुलाओ अब लड़वाओ। और तक कि, कि अगर कहीं इस दौरान में

और जितने भी घर तोड़े गए हम एक चौल में रहते थे उसमें पहला घर फिर तीसरा घर और फिर सातवां घर ये मुसलमानों के थे उनको तोड़ा गया हिंदुओं के घर नहीं तोड़ा गया तो इसमें ये इस तरह से हादसा होते हैं ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी अक्रॉस इंडिया अगर इंडिया के अलावा देखें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत आगे यूएस और ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत आगे इस्लाम और फैलाने में मतलब यूरोप तो पूरा वहाँ तो बेचारे कई सारे है ना इस्लाम के नाम पे सिख मार खा जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल <laughs> न्यूजीलैंड <ना। laughs> में जो वाक्य हुआ था तकरीबन जुमे के अंदर पचास लोगों को उसने गन से दिया गन गे से मार डाला था किस बुनियाद पर कि ये लोग मुसलमान है उसने बाकायदा गन पे अपने ऐसे ऐसे पैगाम लिखे हुए थे जो उसको दर्शा रहे थे कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कितना जला है और उसके कितनी अच्छी तरह से ट्रेंड किया कौन है ये जो समाज के अंदर ऐसे लगाते हैं कौन है ऐसे समाज के अंदर लोग जो में भर के, लोगों के अंदर जहर भर भर लोग हैं जिनको मतलब ना तो किसी मतलब है ना आप से ना उनसे बस से उनका काम है कि मैं और हिंदुस्तान में यह हुकूमती सतह पर आग लगा हुत बनना चाहिए डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम था ना

डिवाइड हुआ था जी तो आज उसके क्या हालात है वही बात है ना ला लाइज कहने वाले भी लोग हकीकी मुस्लिम नहीं है बहुत सारे सर पसंद है जो इसके बावजूद भी वो हुकूमत करने का मौका उनको मिल रहा है ताकि नफरत फैला करके अपने आप को हमदर्द तो और मसीहा बताया जाए। वजह की बात जो थी ना एक ये कि सियासी वजह हो सकती है कोई पॉलिटिकल वजह हो सकती है कि उसको नफरत फैला करके अपनी कम्युनिटी का अपनी मेजोरिटी का वोट अपनी तरफ कर लेना एक ये वजह हो सकती है और एक होता है बिजनेस बेस पर कि जंग होगी लड़ाइया होंगी हम हथियार बेचेंगे हाँ। और ये और बहुत मुद्दा होता है कि जब जंग होती बड़ी है बड़ी जब हथियार बेचे जाते हैं तब उनका धंधा चलता है ये भी एक बड़ी जो बड़ी, बड़ी, बड़ी न्यूजें होती हैं उसको दबाने के लिए ऐसे सब शोषे डाले असल मुद्दों को दबाने का होता है उसको दबाने के लिए भी नफरत को फैलाया जाता है इस्लाम का नाम लेते हैं और एक वजह जो पहले भी मैंने जिक्र की है कि इनको मुसलमानों के जो बुनियादी चीजें नमाज रोजा इन तमाम चीजों से इनको दिक्कत नहीं है वो इस बुनियाद पर इस्लाम को अपोज़ नहीं करेंगे कि मुसलमान पांच वक्त नमाज़ क्यों पढ़ते हैं मुसलमान रोज़ा क्यों रखते हैं मुसलमान मिसवाक क्यों करते हैं मुसलमानों का लिबास ऐसा क्यों इस बात को अपोज नहीं करेंगे उनको असल मुसलमानों की तहजीब उनके कल्चर उनकी सकाफ़त से दिक्कत है वो ये चाहते हैं कि इस्लाम का जो कानून है वो इस दुनिया पर मुसलत ना हो पाए जो हम आप सुनते होंगे क्राम को कि इस्लाम एक कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है इस्लाम एक तर्ज़ ज़िंदगी का नाम है वो उस वर्ज़ ज़िंदगी को उस कोड ऑफ लाइफ को लोगों से दूर रखना चाहते हैं तो इसके लिए वो नफ़रत फैलाते हैं कि लोग मुसलमानों से नफरत करेंगे इस्लाम से नफरत करेंगे तो उसके तरीक़ों को झांकने भी पसंद नहीं करेंगे इस्लाम क्या सिखाता है और देखिए जो आजकल नफरती डिबेट चल रहे हैं एक्स मुस्लिम की बात होती है या फिर ये जो नेता वगैरह है इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं इस्लाम की ऐसी चीज़ों को उठा कर के लाते हैं जो उनकी नजर में गंदी है और उसको उठाने के बाद क्या कहते हैं तुम चाहते हो कि इस किताब को हम अपने ऊपर नाफिज करें तुम चाहते हो कि इस कानून को हम अपनी जिंदगी का पेश हाँ, कर जान इस कानून का का को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने तो एक सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि वो इस्लाम के कानून को लोगों की जिंदगी से दूर करना और उसमें वजह ये भी है ना कि जो इस्लामिक पेश करने आते हैं जो लोग इस्लाम की बात पेश करने आते हैं उनको खुद को नहीं पता होता है वो क्या बोल रहे हैं जब वो जो, जो बुलाया जाता है ऐसे लोगों को जो जवाब ना दे सके ताकि ये बात खत्म ना हो ऐसा है ना कि अगर गैर इस्लाम की बात करेंगे तो उतना असर अंदाज नहीं होगा अब मुसलमान को इस्लाम की बात करने के लिए बुलाते हैं और ऐसे लोग जो सही से बात ना रख पाए और वहाँ धुलाई की जाए उनकी दबा दिया जाए तो इससे और ज्यादा इस्लाम बदनाम होता है कि यार ये तो मुसलमान था। अच्छा ये बात हो रही है कि हर तरह हर अरबा अपना रहा है हुकूमत भी इस्लाम के पीछे पड़ी है सोशल वर्क करने वाले भी इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो फ्री में भी काम कर रहे हैं कुछ लोगों को फंड किया जा रहा है तो यलगार तो चारों तरफ से घिरा हुआ है इस्लाम और मुसलमान तो अभी क्या करना चाहिए अभी किस तरह से हम इसको अपोज करें किस तरह से सबसे अहम चीज़ तो ये है कि मुसलमान जो है ना किरदार से इस्लाम को आम करें उनकी अपनी ज़िंदगी में तर्ज लाइफ में इस्लाम नजर आए ताकि एक गैर देख के ये कह सके कि इस्लाम ये, ये है इस्लाम की तालीमत ये हैं ये बहुत अहम है नहीं ये बात की तइद करते हुए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा तारीख़ में आप कभी भी देखेंगे ना आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप हमेशा यही पढ़ोगे कि जब कि भी किसी कौम ने किसी कौम पर हमला किया तो गालिब कौम ने मगलूब कौम को यानी जिसने मतलब गलबा हासिल कर लिया है उसने मगलूब कौम को अपना धर्म कबूल करवाया ज़ोर पर ज़बरदस्ती पर लेकिन तारीख़ में सिर्फ एक वाक़ा ऐसा मिलता है कि ालिम कौम यानी गालिब कौम ने जो है मगलूब के धर्म को कबूल किया दीन को कबूल किया वो इस्लाम तातारियों ने तातारियों ने जब हमला किया तो वो लोग और वो इतनी भयानक कौम थी कि आज तक उनके जैसा जुल्म करने वाला उनके जैसा जो है मार काट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और तारीख़ इस बात की गवाह है कि उन लोगों ने मुसलमानों की किताबों को दरियाए दजला में डाल दिया था सारी की सारी की जिसकी वजह से पूरा पानी नीला हो गया था यानी इतने जालिम जाबिर लोग जब वो मुसलमानों के साथ रहे मुसलमानों का कल्चर देखा मुसलमानों के अखलाक देखे उनकी तहजीब देखी तो तारीख इस बात की गवाह है कि पूरी आज तक की इंसानियत की तारीख में सिर्फ तातारी एक ऐसी कौम है जो गालिब होने के बावजूद उन्होंने मकलूब कर दीजान की कौम थी तो सेल्फ करेक्ट बहुत जरूरी होता है कि आप कैसे लिखते हो कैसे उठते हो कहाँ बैठते हो कहाँ रहते हो ये मुसलमानों को सुधारना चाहिए और साथ साथ में आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है चाहे वो सोशल मीडिया हो तो सोशल मीडिया से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मुसलमानों का होना चाहिए इस्लाम के दी 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 लिए दी के दी 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 लिए और एक प्रॉपर टेलीविजन के अंदर जो मीडिया चल रहा है उस मीडिया के अंदर भी न्यूज चैनल एक बेटर तरीके से एक न्यूज चैनल मीडिया में मुसलमानों को आना चाहिए मुसलमान ना दिखाए कि भाई डिबेट किस तरह किया जाता है मुसलमान ये दिखाए कि देश के लिए किस तरह काम किया जाता है ऐसा है ना मतलब जो सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है तो ये जो हथियार है ना ये एक हथियार है तो इस हथियार को हम तलवार से या मुक्केबाजी से नहीं लड़ सकते बिल्कुल। इसका जो मुकाबला करना होगा तो भी तो 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 ही इलाज होना चाहिए तो मुसलमानों के पास है ना एक न्यूज चैनल होना चाहिए और मेरा ये मानना है कि वो बाकायदा इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए हाँ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए इस और देश को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसा एक चैनल होना चाहिए भाई इसमें देखिए और ये, मतलब एक ये बात तो में बता अफसोस की बात है हमारे पास कि ये होना चाहिए लेकिन आज अफसोस ये है कि मीडिया पे जाने के लिए हमारा कोई एक पढ़ा लिखा समझदार एक नुमाइंदा तक, तक नहीं जाने के लिए मतलब बुलाने वाले बुलाते हैं अगर आप मतलब आपका कोई नुमाइंदा हो आप तय तो करो कि किसको बुलाए मीडिया वाले एक ये भी होता है जमात मुझे बताए कौन सा अपना नुमाइंदा तय कर रखी है कि जब भी कोई होगा हाशिम भाई भाईम भाई मैं कर देता हूं हाशिम भाई जो बात कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसा हो रहा है डिबेट पर बुलाया जाता है और ऐसा नहीं कि सारे डिबेट का आप वो बाइकआउट कर दो कुछ में जाना ही पड़ेगा कुछ में जाना ही पड़ेगा तो उसके लिए आपने अभी तक क्या तैयारी किए कोई ऐसे लोग तैयार किए ऐसे अफराद तैयार किए ऐसे लोग तैयार किए जो उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके उनकी हर बात का उनकी हर बदतमीजी को झेल करके सही अंदाज से जवाब दे सके नहीं तैयार तो नहीं किया गया लेकिन वही दिक्कत है मुस्लिम कौम में भी ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं लेकिन कैसा ना उनका जो कल्चर है या जो स्टाइल है बात करने का जो माहौल है दंगल असल में वो मतलब बुलाया ही नहीं जाता है देखिए अगर आप लोग ये चाहते हैं ना कि अगले दंगल के अंदर या आने वाले एक साल के दंगल के अंदर कोई मुसलमान जाए डिबेट करने के लिए और वो आपकी तरफ से हो तो ऐसा नहीं होगा वो है एक दुकान उनको अपना बेचना तो चलाना है, है वो किसी को भी जो टोपी और दाढ़ी पहने हुए है ना उसको, उसको बुला ले आते ना हैं और वहां पे मुसलमान को रिप्रेजेंट करते हैं हमको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा बिल्कुल सही बात और जो भी उन्होंने वहाँ पे पॉइंट उठाए हैं ना हमको उनको रिफ्यूट अच्छे एक अंदाज में करना पड़ेगा इसमें खालिद कैसा है ना कि अगर हम लिस्ट ना अगर हम लिस्ट भी शायद कर देना की भाई ये हमारे पास पच्चीस लोगों की लिस्ट है आपको जब बुलाना हो तो

ये बुलाया जाता है आप जैसे इनकार नहीं कर सकते बात ये कर रहे थे एक तो जो हल हो सकता है कि तो वो मीडिया का जवाब मीडिया से दिया जाए अपनी भी कोई एक ऐसी मज़बूत आवाज़ होनी चाहिए जो उसको एक बात उसको खिलाफ वर्जी कर सके ये तो उसके काट के लिए लोहा लोहाई को काटता है ये चीज़ तो ज़रूरी है कि हमारा मीडिया हो उसके साथ साथ हम जिस देश में रह रहे हैं ना यहाँ कैसा है देश का तकाजा भी यही है और यहाँ का उसूल दस्तूर भी यही कहता है कि भाई जिस तरह का वो माहौल पैदा कर रहे हैं ना अपील की जाए कि वो माहौल ख़त्म किया जाए हकीकत यह है ना कि जो कुछ भी हो रहा है ना ये, ये देशित बहुत देशित बड़ा जिम्मेदार तो ये देश हित में बिल्कुल नहीं है जो कुछ कर रहे हैं हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है और उससे पूरा माहौल भंग हो रहा है दंगा फैल रहा है तो अपील की जाए कि भाई ये माहौल ख़त्म मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी कि उनसे ये सवाल हो रहा है कि इस वक्त देश की हवा किधर है तो उन्होंने कहा यह मैं बताऊँ मैं तो समझता हूँ ये आप तय करते हैं जावेद हाँ। मतलब दिन भर था का था का हर आदमी आता है वो टीवी चालू करता है जो आप दिखाते हो देखता है, देखता है। दिल्कुल। जो दिल्कुल। आप सुनाते हो वो सुनता है तो ये बहुत बड़ा सबब है इसको खत्म करने की जरूरत है इसके लिए आवाज उठनी चाहिए हम सब मुस्लिम हैं हम सब है एक मेरे सवाल का जवाब मतलब ये जो दंगल है हल्ला बोल है ना भारत की बात मतलब ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और इस प्रोग्राम में ये क्या कर रहे हैं सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज चैनल आप बॉलीवुड को देख लो आप टेलीविज़न मीडिया को देख लो आप ओ को देख लो आप सोशल मीडिया को देख लो हर जगह पर पिछले दस सालों के अंदर जहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम है वो चीज मार्केट में बिकी है दिल्कुल, दिल्कुल, वो दिल्कुल, सेलर्स हैं वो मार्केट करने के लिए आए हैं वो बिजनेस करने बैठे हुए मतलब हैं ना वो, वो धंधा करने वाले लोग है बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब अपने धंधे के लिए अपनी दुकान के लिए आग लगा दो आग लगा पूरे देश को जला रहे हैं शेख वो पूरे देश को जला रहे अभी क्या है अगर आप बात हम कर रहे थे मीडिया होना चाहिए तो अभी तो इतना जल्दी कोई मुमकिन नहीं होता कि मीडिया हाउस इतना बड़ा हम खड़ा बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उससे पहले हमारे पास सोशल मीडिया है बिल्कुल छोटा सा प्लेटफॉर्म है एक वो लेकिन नहीं उससे बड़ा काम नहीं, नहीं, कर सकते। नहीं, 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 नहीं मैं इससे ना बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करता हूँ छोटा काम किया जाए मुसलमान एक बड़ी छोटा सा प्लेटफॉर्म है क्यों से हम छोटा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें मैं बोलता हूँ अगर मुसलमान के चार लोग नहीं मैं बोलता हूँ मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान का कोई एक आदमी जो ठान ले इंडस्ट्रियलिस्ट वो कल के कल चार चैनल खड़े बिल्कुल खड़ा कर सकता है लेकिन जब तक नहीं हो रहा है जब तक नहीं हो रहा है तब तक सोशल मीडिया का यूज किया जाए ताकि मैं ये, ना आप जाए। ये आप मुझे बताइए क्या सोशल मीडिया के ऊपर पचास यूट्यूब के पांच सौ यूट्यूब के मुसलमान चैनल नहीं है बिल्कुल है, बिल्कुल है लेकिन इसमें यह है कि एक एक की लेकिन आप ये बता लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है तो इसको खत्म करने के लिए करना क्या है हम लोगों को तो एक आपने ये बताया कि हर इंसान अखलाकी किरदार का हामिल हो जाए इस्लाम उसके शख्सियत में दिखे दूसरा आपने बताया कि मीडिया खड़ा करो मैं एक तीसरा ऑप्शन ये दे रहा हूँ कि आप जगह जगह पर बड़ी कॉन्फ्रेंसें करके बताओ ना इस्लाम ये है हाँ वो भी वो क्यों नहीं करते हैं तो कम से कम इस्लाम पेश करने का कॉन्फ्रेंसें करो पेपर छपाओ उनके घरों तक पहुंचाओ लोगों तक पहुँचा मैं ये समझता हूँ ना कि चूंकि हम लोग जहाँ रहते हैं हर तरह के लोग हैं तो ऐसा नहीं है जो दूसरे अमन पसंद लोग हैं ना उनको भी अपने साथ लेकर कुछ रिफ़ाही काम किया जाए मतलब सिर्फ ऐसा नहीं किसी मुसलमान मुसलमान ठीक है मुसलमान हैं मुस्लिम कौम के कुछ लोग अपने साथ गैरों को भी लेकर जो अमन पसंद हैं इसके उन्कि... लिए तो सबसे अच्छा यही है ना कि जो हर गलियों में हर मोहल्ले में मस्जिदें हैं हाँ। मस्जिदों है। को इन सारे कामों के लिए खोल देना चाहिए हाँ। खोल देना चाहिए वहाँ से रिफाई है। काम है। है। भी करें वहाँ से आप है ना वहाँ से रिफाई काम करें वहाँ से आप एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल दें जिसमे दस पांच रुपए में फ्री में दवा मिल सके एरिया में सारे लोगों को बोल दो आप कि भाई यहाँ से आके दवा ले लो हर चार मस्जिद को छोड़ने के बाद में इतनी बड़ी मस्जिद होती है शेख जुमा के अंदर जहाँ पब्लिक ऊपर तक नहीं भरती है जी, जी, खाली पड़ी हुई है कि लोग बदनाम कर रहे हैं मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम ही के जरिए से इज्जत मिलेगी जिस तरह से इस्लाम से बदनाम किया गया है ना इस्लाम ही से इज्जत तो मिलेगी हजरत उमर रजी अल्लाह का वो कौल याद कीजिए हज़रत उमर ने कहा था इन्ना कुन्नाजल कमन कि हम एक जो है कमतर कौम थे कमतर कौम थे इज्नाब इस्लाम इस्लाम ने हमें इज्जत दी और अगर जो इस्लाम को छोड़ करके इज्जत चाहेगा तो अल्लाह ताला उसको जलील करेगा भाई देखिए हम मुसलमान हैं आप सब मुसलमान बैठे हैं अलहमद लेकिन आप में से किसका ताल्लुक हिंदू से होगा जमीनी लेवल पर तो मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो भी अलहमदिल्ला एक भाई मेरा तो गैर मुस्लिम है ठीक है जी, लेकिन जी, अक्सर देखिए अगर हालात की बात करें आप तो चलो माशाल्लाह चुनिंदा लोग हैं लेकिन अगर हालात की बात करें ना तो ऐसा बहुत कम है कि मुसलमान एक हिंदू से अच्छा रखा रखना चाह रहा हो वो सिर्फ जरूरत की हद तक उससे जुड़ता है ना तो उसके अखलाक उसको दिखाई देते हैं हिंदू का अगर अच्छे अखलाक वाला भी है तो उसको अखलाक उसके नहीं दिखाई दे पाते तो उसको नहीं जोड़ पा रहा है दोनों थर्ड स्टैंडर्ड में मेरी बेटी थी थर्ड हैंड में मेरी बेटी थी थर्ड सैंड में मेरी बेटी को एक बच्चे ने पूछा था तुम लोग मुस्लिम है क्या तो उसने मेरे को आके घर पे मेरे पूछी क्या अब हम लोग मुस्लिम हैं हाँ बेटा हम लोग मुस्लिम हैं ये मतलब माहौल क्रिएट किया गया कि छोटा सा बच्चा बोलता अच्छा आप तो बहुत अच्छे हैं मैं तो मुसलमानों को तो ऐसा नहीं समझता था ये मतलब हमारे साथ में जो काम करने वाला है हमारा ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला बंदा नंद किशोर नाम है उनका उनका बच्चा आठ साल का रहा होगा उसने पूछा आप लोग मुस्लिम इतने अच्छे हैं जबकि हम तो मुसलमानों को नहीं जानते के नहीं। है। ये नहीं। साल के, ये के का है। नाम भी गलती है। हाँ। तो फैली ही है। मैं मैं भी बताता हूं। यही मोहल्ले की बात है जिससे हम राशन लेते थे वो बंदा हिंदू है उसका बच्चा उसके सामने बैठ कर पढ़ रहा था कि ये मुसलमान है मुसलमान टेररिस्ट होते हैं है। मतलब तो है तो तो है ही गया है ना खास कल्चर 1950 के बाद से अगर आप देखेंगे ना तो जितने फिल्में बनी है ना उन्नीस के बाद की मैं बात कर रहा हूँ आप देखेंगे जितने स्मगलर के आम है जितने टेररिस्ट अटैक है जितनी सारी चीजें हैं ना उसमें दाढ़ी टोपी ही आपको दिखाया जाए दूसरा कुछ नहीं दिखाया बहुत सारी झूठी न्यूज ऐसे फैलाई गई है ना कि कोई भी कांड करेगा कोई भी मामला करेगा उसको मुसलमान और इस्लाम बता तो जब दे जबकि मैंने उसको फैक्ट चेक कम कम से सौ क्लिप मैंने किया है सौ क्लिप मैंने किया है उसमें यह बताया है कि ये जो वाकया हुआ यह हादसा हुआ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये मुसलमानों ने किया ये गैर मुस्लिम ने किया और नाम उनका यह सोशल मीडिया जो इतना आम हुआ ना इसके जहाँ बहुत से फायदे हुए ना ये बहुत बड़ा नुकसान है कि लोग आसानी के साथ में किसी चीज को बेगर तहकी हम उसको अच्छे लेवल पे भी ले जा सकते हैं

हमारे पास जो इतनी एजेंसीज हैं आईबी की है ये है वो है जो सिक्योरिटीज है वो सब कहाँ रहती है बिल्कुल, कौन बोलता तो है बारे मतलब बाहर से लोग एक परिंदा भी मारता है उधर इधर आप इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ते हो जहाँ भी दहशत गर्दी होती है हमला होता है आप देखेंगे सबसे ज्यादा शिकार होगा तो मुसलमान ही होगा बिल्कुल मुसलमान मुसलमान बल्कि आप जो है आलमी पैमाने पर देखें वो ममालिक ज़्यादा लोग शिकार होते हैं दहशत गर्दी के वो मुस्लिम ममालिक हो रहे हैं तो मुसलमान मुसलमान को मारेगा मुसलमान मुसलमान मुल्क को पर हमला करेगा इस्लाम ऐसा नहीं है ना एक बात ये कि हम उस नबी के उम्मती है कि जब मक्ह हुआ और मक्का फ़तः होने के बाद सब गैर मुसलमान को ये डर था कि हमारे साथ क्या होगा ऐसे मौके पर वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद थे जिसने आपकी बेटी को कत्ल किया अल्लाह के नबी की ऐसे लोग भी मौजूद थे जिसने आपको जो है तकलीफ दी हर तरह की उसके बावजूद आपने उन लोगों से कहा था ला तसरीबा आलि अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन उस पर अल्लाह के नबी ने यह कहा था ला तसरीबा आली को आज अच्छा किसी से बदला नहीं ले जाएगा किसी से बदला नहीं लिया जाएगा इस्लाम का प्रचार उन्होंने किया अरब में उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की नौबत तक आ गए प्लानिंग कर लिया उन लोगों ने ठीक है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मुसलमानों के ऊपर जो तनकीदें की जा रही हैं और उनको बुरा भला कहा जा रहा है और इस्लामो जो एक ज़माने में बहुत छोटा सा लल्फाज था आज बहुत बड़ा हवा बन के खड़ा हो चुका है दुनिया के अंदर एक एजेंसी है जो कत्लेम और जनोसाइड के ऊपर अलार्म करती है बताती है लोगों को दुनिया के अंदर रवांडा के अंदर दुनिया में एक जगह है रवांडा अफ्रीका के अंदर वहाँ पर बहुत बड़ा कतलेआम हुआ था उसके बारे में उन्होंने अलार्म किया था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होने वाला है तो वही टीम ने उसी टीम ने हिंदुस्तान के लिए भी कहा है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक जगह है जनोसाइट हो सकता है यहाँ पर कभी भी जितने भी अलार्म थे वो बच चुके हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इसकी खबर ले तो, तो ये एक हकीकत है जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं तो जितना भी हो सके ना इस्लाम की अच्छी छवि पेश करने की आप लोग कोशिश करें जैसे शेख ने कहा कि अपने किरदार के, के, के जरिए से मीडिया के जरिए से और बाकी शेख कंटिन्यू और इसमें देखिए खालिद भाई एक, एक, एक बात बोलना चाहूंगा ये इससे ना लोगों को लगेगा कि मुझे बहुत डर बैठ सकता है उनके दिलों में हम इस्लाम फूबिया के खिलाफ भी बात कर रहे हैं तो इससे डरना नहीं है उनको बल्कि ये बात है कि वह मकर व मकर अल्लाह अल्ला वैर उलमकरीन

वही तो वही तो, तो इस्लाम इन्हीं सारे जो जुल्म है सितम है इसको इस्लाम रोकता है तो जुल्म और इसी जिलम की वैसे वैसे ये आम किया जाता है कि मुसलमान इस्लाम तलवारों से फैला जंगे किए है तो इस्लाम फैला इंडोनेशिया मुल्क इसकी वाज मिसाल है वहां पे कोई इस्लामी फौज नहीं गई जो उन लोगों से लड़े उनको इस्लाम कबूल करवाए बल्कि अरब के ताजिर वहां जाते थे मुसलमान वहां जाते थे वहां उन्होंने तिजारत की अपना अख्लाक पेश किया इस्लाम की तालीम पेश की वो लोग मुसलमान हो गए और इसी किरदार को आज के दौर में बाकायदा आज के दौर में बहुत जरूरी है फर्स्ट नंबर पर इसको रख लिया जाए कि इंसान अपने अखलाक को अच्छा कर ले क्योंकि अगर तबलीग भी करने जा रहा है ना मुसलमान भी करेगा तब भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो, आ जाएगा तो वह अपने आप को खामोश साइलेंट दावत दे अपने आप को तैयार करे और एक चीज़ और होनी चाहिए कि कुछ ऐसे बाकायदा दाई तैयार किए जाए जो हर जुबान के हो सिर्फ उर्दू के नहीं सिर्फ हिंदी के नहीं सिर्फ इंग्लिश के नहीं बल्कि हर जुबान के दाई होने चाहिए जो उन जरियो में भी जाकर तबलीग करें जिस जुबान को हम जानते नहीं जिनको हमने सुना नहीं एक ईसाई की मैं बात बताता हूँ क्रिश्चियन की बात बताता हूँ किस कदर दावत को लेकर अपने दीन को फैलाने के लिए वो तगुद में दो में रहते हैं हमेशा तैयार रहते हैं भाई हमने सुना है कि सबसे ज्यादा ईसाई हैं तो उनकी दावत का तरीका देखिए एक बंदा आदिवासी जो होते हैं ना उनकी जुबान बहुत कम लोग समझ पाते हैं श्रीलंका का या तमिलनाडु का वाक्य वहां के वो आदिवासी थे वहां के लोग थे उनकी जुबान को नहीं समझ पाता था लेकिन वो बंदा वहाँ गया और वो कोई गैर इंसान अगर उनके महफिल में आ जाता उनके एरिए में उसको मार देते लेकिन उस बंदे ने रिस्क ले करके जबान सीखी जबान सीखने के बाद उनमें घुला मिला उनके साथ उसने दावत तबलीग का काम किया लेकिन एक जगह उसको चूक हो गई जिसकी वजह से उसको वहां मरना पड़ा लेकिन उस इंसान ने जोखम उठाया लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में लेक्चर हो जाएंगे बड़े बेहतरीन उर्दू जबान में तकरीर हो जाएगी इंग्लिश जबान में हो जाएगी लेकिन जो हमारी आम जबान है ना जो हमारे सामने जो जिनको जरूरत है असल दावत की सर अभी नहीं समझता पहले हमारे यहाँ पे ना ऑफिस में कुछ लोग आए थे तो मैंने उनके यहाँ पे उनके एरिया में लैंग्वेज उसी इस्तेमाल की जाती है

एक तो ये डिबेट के लिए भी तैयार रहे और एक टीम हो जो बाकायदा आगे बढ़ करके लोगों को उन्हीं की ज़बान में सिखाए फिर हम अपना किरदार भी अच्छा करें और ये जो एक... इस्लाम फ़ोबिया वाली चीज़ है ना ये आज की चीज़ नहीं है ना ही अल्लाह के रसूल के ज़माने में इसकी पहलू है अल्लाह के रसूल के ज़माने से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी है मूँ सलाम और का वाक्य फ़िरन ने क्या बोला था इन हादा लमकरुन मकर तुमो फ़िल्मीना तिल तुखरिजू मिनह आल्हा ये तुम्हारी चाल है और ये चाल तुम इसलिए चल रहे हो ताकि यहाँ से इन लोगों को हानि हमारी कौम को निकाल दो।, दो यही तो डर फैलाया जाता है ना कि मुसलमान इतने बढ़ जाएंगे अगला पीएम मुसलमान होगा वरना तुम सुधर जाओ दो हजार पचास में हिंदू खतरे में, में आ गया है ये कह कह करके जमा किया जाता है यही फिर खतरा दिलाया मूसलाम के बारे में कहा ये तेरा मकर है तेरी चाल है तू चाहता है कि हमारी कौम को फिर जो बादशाह है उसकी कौम कौन बाहर निकाल दे ये फोबिया दिला करके वो अपनी कौम को अपने पक्ष में इलाज में में की एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा इलाज में वो ये कि मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान जो वकील हैं वो लोग एक ग्रुप बनाएं और जितने भी इस तरह के मामला होते हैं इस्लामो की वजह से लिंचिंग वगैरह के इन सारी की रिपोर्ट की जाए और जब तक उनको ना छोड़ा जाए तब तक के उनको सज़ा ना हो जाए क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ ये होता है ना कि खाली प्रोटेस्ट कर दिए चार दिन पाँच दिन एक दिन दो दिन बात खत्म हो गई रात गई बात गई वाला मामला हो जाता है मतलब मामला पाए तकमील तक नहीं पहुंच स्मार्ट पाता है तरीके से काम करने पहुंचा जैसे कि का मामला हुआ था चलो कुछ लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन बाकायदा एक तहरीक चलाई गई कि यूएन को मेल किया जाए वहाँ आवाज उठाई वहाँ आवाज पहुंची उन लोगों ने आवाज उठाई यहाँ तक के बहुत से मुल्कों की पार्लियामेंट तक में आवाज उठाई गई थी और वहाँ आवाज पहुंची थी तो स्मार्ट तरीके से काम कोशिश के साथ तरीके कोशिश भी बहुत जरूरी है कि मतलब कौन सा अमल मौसर होगा जी जी अगर ना तमाम लोग मुतहद होकर के ये सारी चीजों पर नजर रख करके पूरी टीम तैयार करके हर शोभा बना बना करके अगर ऐसा काम करेंगे तो इनशालाजीज ये बहुत जल्द खत्म होगा और इस्लाम गाली एक तो ये कि जो भी कोशिश करें वो लीगली कोशिश हो और लीगली कोशिश के साथ साथ ना वो कोशिश ऐसी हो जो रंग लाने वाली हो ऐसा नहीं कि कुछ भी शुरू कर दिया है और एक इंटेंशन के साथ एक टारगेट लेकर हाँ टारगेट लेकर आज के टॉपिक में हमने बात की अलहमदिल्ला आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया तो इस्लाम फ़ोबिया कि रियलिटी है एक हकीकत है इसका इनकार नहीं किया जा सकता और यह आज से नहीं बहुत पहले से इस्लाम के ख़िलाफ़ चलता आ रहा है अला ने यह भी कहा ममान मिनम्यूमिल्लाज़ी हमद ये इस वजह से चिड़ते हैं कि तुम अल्लाह रब्लम पर ईमान लाए वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्या तब मिलता हूँ आपसे उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक कि आप उनके दीन धर्म को ना मानने लगे और ये भी याद रखें हाँ घर वापसी कराना चाहते हैं लेकिन ये लोग ये भी याद रख लें कि इस्लाम का हमेशा से अपोज हुआ है मुखालफत हुई है लेकिन इस्लाम उसी तेज़ी के साथ उभरा है नाइन अलेवन के बाद इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की लेकिन उसी तेज़ी से इस्लाम फैला है।, है, है सतीजा कार रहा है अज़ल से ताइम इकबाल ने बोला सतीजा कार रहा है अज़ल से तयम रोज़ चिराग मुस्तफ़ी से शरार शरारहबी जहाँ मोहम्मद असलम होंगे वहाँ अबू लहब खड़ा है तो ये तो चल रहा है लेकिन इस्लाम का जो कानून है कि जितना काटोगे उतना ही उभरेगा जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा काटोगे तो वो मजीद होगा मजीद निखर के आएगा अल्लाह यूरीफी मुतिम वितिमन वल करियल काफिर ये चाहते हैं कि फूक से इस्लाम के चिराग को बुझा दें लेकिन अल्लाह इस चिराग के नूर को पूरा करके रहेगा चाहे काफिर अपना पूरा जोर क्यों ना लगा दे अपनी पूरी की पूरी सारी पूंजी इसके पीछे क्यों ना खर्च कर दे चाहे जितना नपसंद है ना कि हमारी ये बातें ना सिर्फ बातें ना रहें ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ गुफ्तु के लिए सुन लिए खत्म यार मतलब सीरियस हो आगे बढ़ें हर शख्स अपने तौर पे जो कर सकता ना उसको करना चाहिए इसके लिए आगे आना चाहिए यार आप सोचिए इस्लाम के अंदर जहाँ जानवरों के हकूक़ हैं यार गैर मुस्लिम पड़ोसी है उसका हक़ है और इस्लाम की तलीमान मेरे ख्याल से रोशन है वाजे हैं बस उसको पेश करने की ज़रूरत है अपने किरदार के जरिए अपने अमाल के ज़रिए और किस अंदाज में इस्लाम का तारुफ हो सकता है उसके लिए आगे की जरूरत इंसान जिम्मेदार है और आप अपने पर जिम्मेदार है, जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मीडिया में हमें आगे बढ़कर आना चाहिए और हमारा एक न्यूज चैनल होना चाहिए जी बिल्कुल तो अपने लिहाज से जितनी जैसी मदद कर सकते हैं इस्लाम को पैगाम को फैलाने के लिए इस्लामोफोबिक जो आइडियाज़ आ रहे हैं इस्लामोफोबिया जो फैल रहा है इसको रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं जिस लेवल पर भी कर सकते हैं करें कम से कम पीछे ना हटें ये ना सोचें कि छोटा सा काम है बल्कि आगे बढ़ करके अम, उस काम को ये दुआएँ करें बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ आपने साथ दिया हमारा और अपने तमाम उन सामीन नाजरन का भी जिन्होंने हमको सुना मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपनी हद तक ना रखें बल्कि फैलाएँ इसको इस पैगाम को आम करें जो जो बाहसीत लोग हैं जो बाकायदा मीडिया का किरदार अदा कर सकते हैं उन लोगों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ ताकि इस्लाम का सही पैगाम लोगों के दिमाग में उतर सके उनके जहन में वो उतर सके पेवस्त हो सके और मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसको शेयर करें ताकि हमारा पैगाम आम हो सके बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा असलकुम वरहि वरक दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफ़र करें